इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ होती हैं वो बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं डालती हैं शरीर पर। मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ होती है, ये चलते चलाते 45 वर्ष के बाद धीरे धीरे अपनी कम अवस्था में आना शुरू करती है। टाइमिंग बढ़ती जाती है 45 वर्ष के बाद, 30 दिन, 35 दिन, कभी कभी 40 दिन पर चला जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो दो महीने, तीन तीन महीने तक नहीं आता और फिर एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है। फिटनेस जिनकी बॉडी की ज्यादा रहती है उनको ये 50 साल या 55 तक भी देखा गया, लेकिन रेयर केस में। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव से। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत अभिवादन है और दर्शकों का भी स्वागत है। डॉक्टर श्रीवास्तव, लास्ट एपिसोड में आपने बताया था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ होती हैं वो बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं डालती हैं शरीर पर, तो इस बार हम बात करेंगे कि महिलाओं से संबंधित हम बात करते हैं। महिलाओं को जब मेनोपॉज की स्थिति आती है तो उस वक्त क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, क्या क्या हो सकता है या क्या कैसे होता है, इस बारे में हम आज आपसे जानकारी लेंगे। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये स्थिति आती कब है। जी वंदना जी, बहुत ही सामयिक सवाल आपका है। पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो महिलाओं प्राकृतिक रूप से 12 वर्ष से 13 वर्ष के आसपास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ होती है, ये चलते चलाते 45 वर्ष के बाद धीरे धीरे अपनी कम अवस्था में आना शुरू करती है, और जब एकदम बंद हो जाती तो हम इसको मेनोपॉज कहते हैं, यानी महावारी का बंद हो जाना या मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लॉक हो जाना। लेकिन इसके लक्षण 2 साल पहले से शुरू होना आरंभ हो जाते हैं। पहले होता क्या है कि पहले रेगुलर पीरियड आते हैं 28 दिन पर, फिर पीरियड के टाइमिंग बढ़ती जाती है 45 वर्ष के बाद, 30 दिन, 35 दिन, कभी कभी 40 दिन पर चला जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो दो महीने, तीन तीन महीने तक नहीं आता और फिर एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है। तो ये क्रम लगभग मेनोपॉज के 2 साल के अंतराल तक चलता रहता है, और लास्ट में जब 2 साल के आसपास ये समय बीत जाता है, जो आपका एक मिसहैंडलिंग पीरियड है कि 3 महीने, 4 महीने पे आया, 2 महीने पे आया, 15 दिन पे आया, फिर नहीं आया, फिर 2 महीने नहीं आया, ये लगभग 2 साल तक चलता है, और अंत में जाके 47-48 साल की अवस्था पर ये बंद हो जाता है। कुछ हेल्दी प्रवृत्ति की औरतों में या जो फिटनेस जिनकी बॉडी की ज्यादा रहती है उनको ये 50 साल या 55 तक भी देखा गया, लेकिन रेयर केस में। तो मेनोपॉज के समय होता क्या है कि जो बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं इनका सेक्रेशन कम हो जाता है। प्रकृति ने महिला और पुरुष में हार्मोन्स समान बनाए हैं। 3 सेक्स हार्मोन होते हैं, पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन, महिलाओं के लिए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। पुरुषों में भी ये तीनों हार्मोन निकलते हैं और महिलाओं में भी ये तीनों हार्मोन निकलते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ज्यादा सक्रिय होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन निष्क्रिय रूप में बहुत लॉन्ग पीरियड तक डेड पड़े रहते हैं, और महिलाओं में इसी का ठीक उल्टा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बहुत ही सक्रिय होते हैं और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन 12-13 साल की उम्र से आरंभ हो जाता है, और एस्ट्रोजन जो है ये यूटेरस की जो झिल्ली होती है जिसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं उससे निकलना आरंभ करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड के समय। तो धीरे धीरे 45 साल के बाद कार्पस ल्यूटियम में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का बनना कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का बनना कम हो जाता है, और जिससे ओवरी में ओबम बनने कम होने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि ओवम नहीं बन, तो फिर जब ओवम नहीं बनते हैं तो फिर कार्पस ल्यूटियम का काम नहीं रहता, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम उन्हीं ओवम को मेंस्ट्रुअल साइकिल में शरीर से वैजाइनल चैम्बर से बाहर निकालने का काम करती है। जब ओवम बनते ही नहीं है तो फिर कार्पस ल्यूटियम का काम सीमित हो जाता है, तो वहां पे एस्ट्रोजन हार्मोन्स नहीं बनते, और जैसे ही कार्पस ल्यूटियम का काम कम होने लगता है वैसे जो पुरुष हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो महिलाओं में सक्रिय होने लगता है। ये बहुत खास बात है कि 47 साल के बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो पुरुषों के हार्मोन है वो महिलाओं में सक्रिय होने लगते हैं, जिससे उनकी आवाज का बदलना, थोड़ा बहुत लोगों के हेयर्स भी बदल जाते हैं, चेहरे पर शिकन आने लगती है, हार्मोनल चेंजेज आने लगते हैं, बॉडी में इंटरनल पार्टों पर फैट जमा होने लगते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स पर और पेट पर, सीने पर, पीठ पर, पेट पर जो फैट जमा होने लगते हैं उससे शरीर में भारीपन आने लगता है। तो ये है कि मेनोपॉज के बाद के ये कारण होते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का कम होना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का बढ़ जाना, ये मेनोपॉज का प्रमुख कारण बन जाता है लगभग 47 साल के आसपास। जी वंदना जी, डॉक्टर श्रीवास्तव, मेनोपॉज के बाद के लक्षण क्या होते हैं? जी, मेनोपॉज के बाद जो लक्षण आते हैं विशेष करके महिलाओं को पसीना बहुत आता है, उनका
ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ लगता है, हमेशा बढ़ा रहेगा, घबराहट ज्यादा होगी, बेचैनी होगी, क्रोध बहुत ज्यादा आएगा, बॉडी वेट बढ़ता जाएगा, उनके बॉडी वेट के बढ़ने के नाते घुटनों में या जोड़ों पर दर्द महसूस होगा, हमेशा उनको गर्मी महसूस होगी, खुली हवा में रहने की आदत होगी। और जो सबसे बड़ी बात होती है इसमें कि कैल्शियम जो मेनोपॉज के पहले पर लीटर में जो होता है वो 1250 होना चाहिए, लेकिन वो करके 750 में आ जाता है 47 वर्ष के बाद जब मेनोपॉज हो जाता है। तो 750 आने पर कैल्शियम की कमी हो जाती है बोन में, जिससे बोन के विभिन्न जोड़ों पर गैप आने लगता है, तो उनके कमर की हड्डी में, घुटनों की हड्डी में खटखट की आवाज आती है और दर्द बहुत ज्यादा होता है, कमर में के पार्ट में दर्द ज्यादा बढ़ जाता है, उठने चलने में उनको दिक्कत लगती है, भारीपन होता है, जांघों में खिंचाव होता है, और उसके बाद चेहरे पर उनके सलगती चेहरे लटकने लगते हैं, मेमोरी ग्लैंड लटक जाते हैं, और आंखों में भारीपन आता है, सिर का दर्द बना रहता है, हमेशा उनको लगता है कि उनके सर में चक्कर आ रहा है, इस तरह के तमाम लक्षण ये लगभग 5-6 साल तक। और ये लक्षण कब आते हैं ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो मेनोपॉज के बाद की महिलाओं का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फिक्स होता है वही 25 दिन या 28 दिन के बाद ये लक्षण उनको 1 हफ्ते 10 दिन तक बने रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हार्मोनल चेंजेस होने के नाते वो हार्मोन थोड़ा सा अपनी सक्रियता दिखाते रहते हैं और धीरे धीरे वो एबनॉर्मलिटी की ओर जाते हैं। तो ये आमतौर से पसीना आना, इसमें 85% महिलाओं को रात में पसीना बहुत आता है, गर्मी उनको लगती जबकि ठंडा होता तब भी उनको पसीना लगता है, नींद कम आना, भूख का कम हो जाना, और जो सेक्स के प्रति अरुच हो जाना, खास प्रवृत्ति देखी गई है मेनोपॉज के बाद। तो ये तमाम लक्षण ऐसे हैं जो देखे गए हैं महिलाओं में। पेशाब का बार बार लगना, पेशाब बहुत ज्यादा लगना, और कभी कभी तो ऐसा होता है 50 साल या 55 साल की औरतों को खांसने या हंसने पर तेज में उनको यूरिन अपने आप पास हो जाती है, वैजाइनल चैम्बर में पान बदल जाने से, क्षारीय हो जाने से उनको ईचिंग प्रॉब्लम आ जाती है, खुजली होती है, जलन होती है, पैरों में सुन्नता के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, सिर में दर्द होता है, क्रोध बहुत ज्यादा आता है, ये तमाम ऐसे लक्षण हैं जो मेनोपॉज के बाद दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी यूटेरस का लाल रंग का दिखाई पड़ना ये भी एक लक्षण है। डॉक्टर श्रीवास्तव, मेनोपॉज के बाद की जो दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए, या यो कहें कि क्या सावधानी रखनी चाहिए महिलाओं को? जी जी, देखिए पहली चीज तो मेनोपॉज से गुजरने वाली महिला को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी, क्योंकि महिलाएं कभी कभी घबरा जाती हैं, उनको इस बात का आभास नहीं होता, वो अपने आप को हमेशा ये मान के चलती कि अभी हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, बंद दिखाई पड़ती है तो उनको लगता है कि हमको कोई अजीब बीमारी हो गई है, और वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाती है। तो एक चिकित्सक होने के नाते मैं ये सलाह जरूर दूंगा कि परिवार के अन्य सदस्यों को जो उनसे बुजुर्ग हों या उस एज में या उस क्राइटेरिया में आ चुके हों, उनको उन महिलाओं को समझाना चाहिए कि एक ये सामान्य प्रक्रिया है, धीरे धीरे इससे सभी गुजरते हैं, और इसको बहुत अधिक टेंशन नहीं लेना, इसके बारे में बहुत अधिक विचार नहीं करना, ये 45-40 साल के बाद अपने आप एक प्राकृतिक क्रिया है जो अपने आप स्वतः समाप्त होती है और हर चीज का एक समय होता है। जहां तक फिटनेस की बात है, उनको अपनी डेली रूटीन में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, जो काम वो कर रही थी स्वाभाविक रूप से, घरेलू सारे काम करना है, समय मिले तो थोड़ा बहुत योगा है ताकि उनके कमरों और हाथों की हड्डियों में फिटनेस बनी रहे, चेहरे पर सिकन ना आए, उसके लिए मसाज वगैरह मालिश वगैरह कराते रहना चाहिए, ये सब तमाम प्रिकॉशन है, और खाने पीने में हरी साग सब्जियों का भरपूर विटामिन और प्रोटीन की चीजें उनको लेते रहना चाहिए, जिससे उनकी फिटनेस, बॉडी फिटनेस बनी रहे। पानी को खूब अधिक पीते रहना चाहिए, पानी पीने से उनके जो पसीने की या यूरिन की प्रॉब्लम आएगी उससे जो इन्फेक्शन वगैरह होंगे या वैजाइनल चैम्बर में जो टीचिंग की प्रॉब्लम होगी वो सबसे दूर रहेंगी, क्योंकि दवा ही हर चीज का इलाज नहीं है, प्रिकॉशन और अपनी सेल्फ की मेंटल फिटनेस। जब हम मानसिक रूप से ये मान लें कि हाँ ये कोई सामान्य चीज है, ऐसा नहीं होता, सभी को होता है। जैसे प्रारंभिक दौर पे शुरू में 12-13 साल की लड़कियां बहुत भयभीत हो जाती हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ होती है, उसी प्रकार 45 साल के बाद महिलाएं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होती है तो वो भी भयभीत अवस्था में आती कि क्या हो रहा है, बॉडी में उनको अजीब सी हरकतें नजर आने लगती हैं। तो वो इन सबसे उनको मेंटल टॉर्चर से अपने आप को दूर रखें और फ्री रहें, अपने आप को फ्री मूड में रखें कि एक सामान्य प्रक्रिया है। जी, क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में इसका कोई इलाज है? जी जी, मेनोपॉज के बाद जो महिलाएं हम लोगों के संपर्क में आती हैं और हम एज ए फिजिशियन उनको जज करते हैं, तो पहले उनका मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, वो इससे ज्यादा चिंतित रहती हैं, तो हम उनको 3 कैटेगरी की दवाओं को देते हैं। हमारे यहाँ एक CNS है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने वाली दवा है, CNS को हम 10-10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 3 बार उनको पिलवाते हैं,
और दूसरी दवा हमारी है कि उनकी बॉडी की स्मार्टनेस और फंक्शन उनका मेंटेन रहे, तो उसके लिए हम यशवन और आरी, ये एक इलेक्ट्रिसिटी और एक हमारी इनवल रेमेडी है यशवन, हम इन दोनों को मिला के 10-10 बूंद उनको भोजन के पहले सुबह शाम देते हैं। और तीसरी मेडिसिन, अगर उनको कमर में दर्द हो रहा है, हड्डियों में उनको दिक्कत आ रही है, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, अगर इस तरह की कंप्लेंट आती है तो वहाँ पे हड्डी से संबंधित हम C4 और दर्द से संबंधित हम C7 और S5 और B, ये चार दवाएं मिला करके हम 15-15 ड्रॉप उनको सुबह दोपहर शाम पिलाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि लगभग एक माह के दौरान फिर रोगी अपने आप को बेहतर फील करता है और धीरे धीरे फिर हम उसकी टाइम पीरियड कम करते जाते हैं, फिर 15 दिन दवा देते हैं, फिर 7 दिन की दवा देते हैं और बाद में हम लगभग 2 महीने बाद उसकी दवा बने और वो अपने आप को सामान्य जिंदगी जीने लगती है। इसलिए पैथी की औषधियों चूंकि साइड इफेक्ट नहीं होता है, जैसा मैं अपने हर एपिसोड में आपको कहता हूँ, इस नाते महिलाएं इन दवाओं को खा करके अपने आप को बेहतर फील करती हैं और स्वस्थ रहती हैं। जी डॉक्टर श्रीवास्तव, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी बहुत आभार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।